कभी आपने नोटिस किया है कि कोई भी टॉपिक हो जो आप सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट टाइम बिना सर्च किए आपके सामने आने लगते हैं? तो सबके साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि देखो मैं अपने बालों को ना नेचुरल तरीके से काला करने की ना रेमेडीज ढूंढती रहती हूँ सोशल मीडिया पर, और कई बार तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सामने कोई ना कोई वायरल वीडियो आ जाती है, तो उसका अट्रैक्टिव थंबनेल, अट्रैक्टिव टाइटल देखकर ना दिल करता है कि इसे ट्राई करें। तो आज की वीडियो भी एक ऐसे ही वायरल हैक पर है जिसमें दावा किया गया है कि अगर आपने कहीं इमरजेंसी जाना है, शादी पार्टी है, तो आप इस डाई को आराम से यूज़ कर सकते हैं, आपको अपने बालों को वॉश भी नहीं करना पड़ेगा, अगर बारिश भी आ जाती है ना तब भी आपके बालों से ये कलर नहीं छूटेगा। ये इतनी बढ़िया रेमेडी है, मैं सुनकर बहुत एक्साइटेड हुई, तो मैंने सोच लिया कि मैं इस डाई को आज ही ट्राई करती हूँ और इसका ट्रू रिजल्ट आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो मैंने बिना देर किए कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी और इसमें 3 चम्मच के करीब हम डालेंगे मोटी ब्लैक वाली राई, जो बताया है मैंने वही यूज़ किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसमें डालनी है 1 चम्मच अलसी। अब इन्हें हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से ब्लैक ना हो जाएं। पहले तो मैंने सोचा कि इस वायरल हैक को सेव करके रख लेती हूँ और कहीं जाना होगा तो इसे देख कर बना लूँगी डाई को और फिर अपने बालों में लगा लूँगी, बट फिर मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं इमरजेंसी जाना पड़े और मैं इस हैक को ट्राई करूं और गड़बड़ हो जाए फिर क्या करूंगी। अच्छा होगा कि मैं इसे पहले ही ट्राई करके देख लेती हूं, अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो इमरजेंसी में यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ नहीं। और आपके साथ मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी अगर इस वायरल हैक को ट्राई करने वाले हैं तो उससे पहले इसका ट्रू रिजल्ट जरूर देख लें, क्योंकि इसका ट्रू रिजल्ट जानने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आपने इसे ट्राई करना है या नहीं। तो देखिए बातों ही बातों में ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं और ये देखिए अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसे हमने ग्राइंडिंग जार में डालना है और इसका पाउडर बना लेना है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और ये देखिए मैंने इसका महीन पाउडर तैयार कर लिया है, तो इसमें से थोड़ा सा मैं पहले अलग से निकाल लेती हूँ जितना मैंने यूज़ करना है। अब इसका पेस्ट बनाने के लिए एलोवेरा जेल ऐड करेंगे और उतनी ही ऐड करेंगे जिससे कि इसका फाइन पेस्ट रेडी हो जाए। कुछ लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि अगर हम अपने बालों को मेहंदी और इंडिगो के अलावा किसी रेमेडी से कलर कर सकते हैं ना, तो आप प्लीज़ वो शेयर करें। तो जैसे ही ये वाला वायरल हैक मेरे सामने आया तो मुझे देख कर अच्छा लगा कि इसमें ना तो मेहंदी है ना ही इंडिगो है और बाल भी इतने काले हो गए, तो मैंने सोचा कि ये तो ट्राई करना चाहिए और अपनी ऑडियंस के साथ भी ज़रूर शेयर करना चाहिए। देखने में तो ये डाई बहुत अच्छी लग रही है, अब देखते हैं यूज़ करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। और ये देखिए डाई बनकर रेडी हो चुकी है, अब मैं अपने वाइट बालों पर आपको लगाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले आप मेरे अच्छे से वाइट बाल देख लो, साइड में आपको दिख रहे होंगे, और दूसरी साइड से भी आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए रूट से लेकर 1 इंच तक के बाल मेरे वाइट हैं, ये देखिए साइड में आपको अच्छे से मेरे वाइट बाल दिख रहे होंगे। तो इन सबको मैं अच्छे से कवर करके आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या रिजल्ट है। और ये वाली डाई मैं इसे एक ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी। अगर सच में इस डाई को लगाने के बाद बालों को वॉश भी ना करना पड़ेगा तो कितनी बढ़िया बात है ना। तो देखते हैं कि इसे लगाने के बाद कैसा फील होता है, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं ना अपने बालों को अच्छे से शैम्पू वॉश करते हैं, बाल सिल्की स्मूथ हों तभी जाने में अच्छा लगता है ना। तो इसे लगाने के बाद अगर हमारे बाल अच्छे लगे दिखने में तभी हमें ये डाई लगाने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं। तो ये डाई जो है ना ब्रश की हेल्प से अच्छे से लग नहीं पा रही थी, तो मैंने इसे हाथों से अच्छे से मसल लिया है। अब इसे हमने अच्छे से सुखा लेना है और उसके बाद इसका रंग और भी गहरा हो जाएगा और बालों से बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, उस वायरल हैक में ऐसा ही बताया गया है। तो मैंने भी इसे लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया। अब मेरे हाथ तो पूरी तरह से काले हो चुके हैं, अब देखते हैं बालों में इसका क्या असर होने वाला है। जब ये डाई सूख गई तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्या रिज़ल्ट आया। अब देखिए मेरे बाल सूख चुके हैं अच्छे से, तो जैसे ही मैंने बालों में कंघी की तो पूरी कंघी मेरी इस डाई से भर गई और मेरे हाथ भी काले हो गए। साथ में इस डाई को अपने बालों में रखना ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे कई दिनों से बालों को मैंने वॉश ही नहीं किया है, और कहीं जाना हो तो ऐसे बाल लेकर जाना मुझे नहीं लगता अच्छे लगेंगे। साथ में बालों में कोई अच्छा सा कलर भी नहीं आया है, आपको मेरे जगह जगह से वाइट बाल भी दिख रहे होंगे, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए वाइट बाल भी अच्छे से कवर नहीं हुए हैं, अभी तो इसकी लेयर मेरे बालों में चिपकी हुई है ना, तो कैमरे में अच्छे से वाइट बाल दिख नहीं रहे हैं, पर मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर मेरे वाइट हेयर हैं। और अभी तो मैं इसे पानी से वॉश करके आपको दिखाऊंगी कि उसके बाद मेरे बाल कैसे दिखते हैं। और उस वायरल हैक में तो बताया कि इसे वॉश किए बिना हम आराम से कहीं जा सकते हैं,
पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं कंघी करती हूँ मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, मेरी कंघी गंदी हो रही है, और साथ में इसके जो ग्रैनुल्स हैं ना वो मेरे कपड़ों पर भी लग रहे हैं। तो हम कहीं जाते हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे और उसके ऊपर से ये कालिक सी हमारे कपड़ों पर गिरे तो अच्छा नहीं लगेगा। और साथ में हम अगर शादी पार्टी पर जा रहे हैं तो हेयर स्टाइल बनाते हैं, इतने मैले बालों में तो ना हेयर स्टाइल भी नहीं अच्छा बन रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने कई दिनों से बालों को वॉश ही नहीं किया, बिल्कुल डल से नज़र आ रहे हैं। तो मुझे तो ये डाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसके साथ किसी शादी पार्टी में जाना तो इम्पॉसिबल। अब जब तक मैं इसे वॉश नहीं करूँगी ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो जैसा कि उस वायरल हैक में बताया कि अगर हम बारिश में भी जाएंगे ना तब भी इसका कलर नहीं निकलेगा, तो ये प्रूव करने के लिए मैं इसे वॉश करके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको इसका ट्रू रिज़ल्ट। तो ये है इसे वॉश करने के बाद का ट्रू रिज़ल्ट। ये तो मेरे बालों में बिल्कुल भी नहीं टिका, जैसे थे बाल वैसे के वैसे ही रह गए, जहाँ जहाँ से वाइट थे वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं, कहीं भी कोई ब्लैक कलर नहीं नज़र आ रहा। तो सोचिए कि अगर मैंने इसे कहीं इमरजेंसी जाने से पहले यूज़ किया होता तो मेरा क्या हाल होता। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे पहले ट्राई कर लिया और इसका ट्रू रिज़ल्ट जान लिया और मैं बाल बाल बच गई। आई होप कि आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, अगर यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।